press the bell icon on YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणपत सोनी और आप लोग देख रहे हो गणपत माइस यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मेरे पास में है बोल्ट का ये वायरलेस ईयरफोन, जिसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे कैसा है इसका साउंड और कैसी है इसकी बोल्ट क्वालिटी, और साथ में है एक गिवे आप सभी के लिए। तो क्या है गिवे की टर्म्स एंड कंडीशन, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। गाइज, ये है बोल्ट ऑडियो का नेकबैंड वायरलेस हेडफोन। इसको मैंने अमेजोन से खरीदा है, जिसकी प्राइस है 2000 रुपये, बट मैंने इसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ख़रीदा है, ये मुझे 900 रुपये में मिला है। गाइज, ये है बोल्ट हेडफोन का बॉक्स पैक और देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमको सबसे पहले ये नेकबैंड के साथ में आने वाला वायरलेस हेडफोन मिलता है। इसके साथ में हमें इसके कुछ और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ में कुछ ईयर प्लग्स कैप्स मिलती हैं और एक माइक्रो यूएसबी डेटा केबल मिलती है, जिसकी मदद से आप इसे हेडफोन को चार्ज कर पाओगे। इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, इसमें वायर के साथ में एक क्लिप है, जिसकी मदद से आप इसे कंफर्टेबल पोजीशन पर ईयर प्लग्स को ला सकते हैं। ये देखिए, ये है ईयरबड्स, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो बॉडी है जो मेटल और प्लास्टिक से बनी है, और ये ईयरबड्स छोटा भी है और काफ़ी अच्छा भी है, जो कि आपके कानों को कंफर्टेबल भी रहता है, और ये मैग्नेटिक भी है जो कि दोनों आपस में चिपक भी जाते हैं। ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर क्लिक करके खरीद सकते हो। ये जो लेफ्ट साइड का नेकबैंड है, यहाँ पर आपको 3 बटन मिलते हैं, इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं, और इसी के नीचे आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप इसे चार्जिंग कर पाओगे। जो राइट नेकबैंड है, उस पर आपको सिर्फ बोल्ट का लोगो मिलता है और कुछ नहीं। ये हेडफोन ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इसे आप बहुत ही आसान तरीके से मोबाइल से पेयर कर सकते हो। गाइज, इसमें नॉइज़ कैंसलेशन माइक्रोफोन भी दिया हुआ है और एक LED लाइट भी दी हुई है, बट गाइज इसमें कॉल आने पर वाइब्रेट का सिस्टम नहीं है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी स्टाइलिश भी है। इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसका बेस काफ़ी अच्छा भी है और डीप भी है, और साउंड भी क्लियर सुनाई देता है। इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। इसको अगर फुल चार्ज कर लो तो इसे आप 10 घंटे तक नॉनस्टॉप यूज कर सकते हो। गाइज, अगर आप वॉकिंग या जॉगिंग करते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, और प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी प्राइस भी ठीक है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। गाइज, इसके अलावा मेरे चैनल पर एक और गिवे चल रहा है OnePlus 7 Pro का, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस वीडियो पर जाकर जरूर पार्टिसिपेट कर ले। इस वीडियो में कर रहा हूँ इस ईयरफोन का एक गिवे, अगर आप लोग गिवे में एंटर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और नीचे एक प्यारी सी कॉमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब भी इस वीडियो पर 50 लाइक कम्प्लीट हो जाएंगे तब मैं इसका विनर अनाउंसमेंट मेरे Instagram ID पर कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पे, तब तक के लिए बाय बाय।